गरीब माँ की बेटी की शादी। डिंपल की माँ सुजीता सभी लोगों के सामने ये ऐलान करती है कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही जल्द इस वर्ष में करेगी। सुजीता एक गरीब महिला थी जो अपने पति के देहांत के बाद अपनी इकलौती बेटी डिंपल के साथ गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही थी। सुजीता अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा टूट गई थी। पहले तो सुजीता का परिवार बहुत अच्छा खासा हंसी खुशी से रह रहा था, पर जैसे ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, गांव के कुछ लोग धोखाधड़ी करके सुजीता की सारी जमीन हड़प लेते हैं। सुजीता अपनी इकलौती बेटी को लेकर गांव में एक झोपड़ी बनाती है और उस झोपड़ी में रहने लगती है। पहले तो सुजीता के पास बर्तन भी नहीं थे, तो गांव के आस पड़ोस के लोग कुछ मदद कर देते हैं। टूटे फूटे बर्तन उसे दे देते हैं जिसमें वो अपने लिए खाना बना लेती थी, पर गांव वाले भी आखिर कब तक मदद करते। इसलिए सुजीता अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लग जाती है। जब डिंपल 15 साल की थी तब उसके पापा गुजर गए थे। एक साल उन्हें अपने हालात सुधारने में लग गए और उसके बाद अब डिंपल की माँ उसकी शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रही थी, पर दहेज के लिए पैसे ना होने की वजह से कोई लड़का उन्हें मिल ही नहीं पा रहा था। किसी न किसी तरह किसी ने एक लड़का बताया जो अगले हफ्ते डिंपल को देखने आने वाला था। सुजीता जहां काम करती है वहां से थोड़े पैसे उधार लेती है और घर में चाय का बंदोबस्त करती है। अरे सुजीता, लगता है आज काम पर नहीं गई है, तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ दीदी, सब बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल बात ये है कि आज डिंपल को देखने के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। डिंपल सुबह से घर का काम कर रही है। अरे वाह, डिंपल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और हमें कानों कान खबर नहीं लगने दी। भूल गई जब हमने तेरे बुरे समय में कितनी सहायता करी थी? अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हो? ऐसा हो सकता है कि मैं आपका एहसान भूल जाऊं? काम ही इतना है। अगर इतना काम है तो मुझे बुला ले, मैं मदद कर देती हूँ। डिंपल बिटिया को बोल दे, तैयार हो जाएगी। सुजीता अपनी बेटी डिंपल के लिए बहुत ज्यादा खुश थी और वो पड़ोसन सुजीता के काम में उसकी मदद कर देती है। सभी लोग काम में लग जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और डिंपल के घर पर लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले डिंपल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। डिंपल रूप से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसके लंबे बाल थे, लेकिन लड़के की माँ जरा चतुर थी। वो कहने लगती है, लड़की तो हमें बहुत पसंद आई है, सुंदर तो है, घर के काम काज आते हैं कि नहीं? जी, वो दरअसल मेरे घर से चले जाने के बाद डिंपल ही घर के सारे काम करती है, मेरी बेटी को सब कुछ आता है। ये सब तो ठीक है, देखो घर के काम तो कोई भी कर लेता है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं चाहती हूँ जब हम बारात लेकर आए तो बारात का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाए, बारातियों को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जाए। क्या ये सब तुम कर लोगी? अरे ये लड़के की माँ क्या बोल रही है, देख नहीं रहे घर के हालात क्या है? फिर ये बारात का स्वागत अच्छे से कैसे कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरी एक ही तो बिटिया है, मैंने आज तक जो भी कमाया है सब इसके लिए ही कमाया है। आप चिंता ना करें, बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होगा। देखो बहन, दहेज के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ। मेरे लड़के के गले में सोने की चेन हो और उसके हाथ में सोने की अंगूठी, और तुम अपनी बेटी को सोने की चेन तो दोगी ही। सुचिता ये सुनकर हिचकिचाते हुए कहती है, जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। दोनों की बातचीत में पड़ोसन बोल पड़ती है, अरे बहन जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? देख नहीं रही हो हमारी बिटिया कितनी सुंदर है? अगर हम कह दें कि आपका बेटा तोते की नाक जैसा है, इसको तो कोई ऐसी लड़की भी नहीं मिलेगी, फिर आप इतना दहेज क्यों मांग रहे हो? अरे दीदी आप कुछ मत बोलो, क्या हो गया, लड़के वाले हैं, दहेज तो मांगेगी ही ना, आजकल बिना दहेज की शादी कहाँ होती है। आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं आपकी सारी डिमांड पूरी कर दूंगी, लेकिन मुझे कुछ समय दे दीजिए, अपनी बेटी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी बेटी पालना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, जब बेटी पैदा की है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। लड़के वाले डिंपल को पसंद कर लेते हैं और वहाँ से रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। यहाँ डिंपल अपनी माँ सुजीता और पड़ोसन के साथ घर में होती है। तभी पड़ोसन कहती है,
अरे सुचिता बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने देखा नहीं कितनी लालची किस्म की औरत है, तुमसे कितना दहेज मांग रही है? उसने क्या घर की हालत नहीं देखी? सोचा नहीं कि कहाँ से दे पाएंगे ये? अरे दीदी, आपको तो पता ही है ना, दहेज नहीं मांगेंगे तो फिर ये अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? कितने रिश्ते पहले भी देख चुके हैं, दहेज के चक्कर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रही हूँ, पर अब इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि शादी हो जाए, आप चिंता मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम करो मेहनत, लेकिन क्या तुमने एक बार भी डिंपल से पूछा कि उसे लड़का पसंद है या नहीं? पड़ोसन और सुचिता बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डिंपल भी चाय लेकर पहुँच जाती है। माँ, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है और मैं ये शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप देख रही हो ना कि लड़के की माँ कितनी तेज है, जब भी मुंह खोलती है तो कुछ ना कुछ मांगती ही है, और अगर इसी तरह ये मांगती रही तो शादी के बाद तो ये आपको परेशान कर देंगी। मैं वहाँ बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी माँ। तुझे ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस तू मुझे इतना बता दे कि क्या तुझे लड़का पसंद है। माँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, पर उसकी माँ मुझे ज्यादा टेढ़ी लग रही है, बाकी सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे डिंपल बिटिया, मैं भी तो यही बात तेरी माँ को कितनी देर से समझा रही हूँ, अगर उनकी मांगे ऐसी ही बढ़ती रही तो ऐसा ना हो कि मंडप पर से ही बारात वापस ले जाए। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर मुझे जरा भी ऐसा कुछ लगा तो मैं खुद ही शादी करने से मना कर दूंगी। मैं अपनी माँ को परेशानी में नहीं देख सकती हूँ, मैं उन्हें साफ साफ बोल दूंगी कि वो अपने लड़के के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। अरे वाह बेटी, कितनी अच्छी बात कही है, तुम तो बहुत समझदार हो, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम बिल्कुल मत डरना। चलो अब मैं घर जाती हूँ, घर में काम पड़ा हुआ है, शादी जब फिक्स हो जाए तो मुझे जरूर बता देना। इसी तरह समय बीतता चला गया और डिंपल की शादी तय हो गई। पूरे गांव में कार्ड छप गए और बट भी गए। सुजीता अपनी बेटी के लिए कभी सोने की चेन लेकर आती तो कभी सोने की अंगूठी। ये सब देखकर डिंपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ ये सब कैसे ला रही है, और वो एक दिन अपनी माँ से पूछने लगती है। माँ, हमारे पास तो पहले कोई गहने नहीं रखे हुए थे और ना ही कुछ पैसे रखे हुए थे, फिर चंद महीनों में आपने ये सोने की चेन कैसे बनवा ली? इस बात की चिंता करने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, ये चेन मैंने खुद के पैसों से ही बनवाए हैं। एक बार मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे, वो वापस मिल गए, तो मैंने सोने की चेन बनवा ली और ये अंगूठी मैंने एक एक रुपए जोड़कर बनवाई है। माँ, आप कितनी मेहनत कर रही हो मुझसे, और ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं कहती हूँ लड़के वालों को साफ मना कर दो, हम ये सब नहीं दे सकते हैं। क्या पागलों जैसी बात कर रही है, रिश्ता तय हो गया है, गांव में कार्ड भी छप गए हैं और बट भी गए हैं, अब रिश्ता कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, बारातियों के लिए सब कुछ मंगा लिया है, तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं और एक दूसरे के गले लगकर रोने लग जाती हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और अब डिंपल की शादी का दिन आ जाता है। गांव के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। बारात आ जाती है, डिंपल की माँ बारातियों का स्वागत करती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। लड़का लड़की मंडप पर बैठे हुए होते हैं, तभी लड़के की माँ कहती है, देखो लड़की और लड़के के फेरे जब शुरू होंगे, जब हमारी मांगी हुई सारी चीज हमारे आंखों के सामने होगी, तब तक हम शादी की कोई भी रस्म नहीं करेंगे। गांव वाले जब ये लड़के की माँ के मुंह से ये शब्द सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। हाँ हाँ बहन जी, सब कुछ तैयार है, ये रहा आपके सामने, पर इसमें एक चीज मैं नहीं खरीद पाई हूँ, मैं धीरे धीरे करके आपको वो भी दे दूंगी, आप ये सब रख लो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी को कोई भी परेशानी हो। नहीं नहीं बहन, ये तुम क्या कह रही हो, जब तक तुम हमारी डिमांड पूरी नहीं कर दोगी ये शादी नहीं होगी। पूरे गांव वाले ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। लड़की की माँ डिंपल की माँ पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। तभी मंडप में बैठा हुआ लड़का बोल पड़ता है, बस करो माँ, तुम तो बोले ही जा रही हो, वो तो सामने वाले का अच्छा समझो जो तुम्हें पलट कर जवाब नहीं दे रहा है, इतना तो दे दिया उन्होंने, फिर तुम्हें किस बात का लालच है माँ? तू चुप हो जा बेटा, तुझे कुछ नहीं पता है, अगर आज हमें सामान नहीं मिला तो फिर वो हमें कभी नहीं मिलेगा। मैं आपके लालच से परेशान हो गया हूँ, मेरी शादी तो होकर रहेगी और ये सब सामान, मैं इसमें से एक भी सामान घर लेकर नहीं जाऊँगा, अगर आपको जाना है तो आप वापस ले जाओ, शादी तो होगी ही। लड़के की ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। गांव वाले सोचते हैं, चलो उनकी बेटी को तो एक अच्छा लड़का मिल गया, कम से कम वो तो लालची नहीं है। लड़की की माँ भी सारी बातें समझ जाती है
और अब वो सुचिता से दहेज में एक रुपया भी नहीं लेती है और डिंपल को शादी के जोड़े में बहू बनाकर घर ले आती है और उसे अपने घर में पूरे सम्मान से अपना लेती है। सुंदरपुर गांव में स्वरा अपने माता पिता और नानी के साथ रहती थी। स्वरा दिखने में बहुत ही सुंदर और भोली थी। स्वरा की माँ रागिनी अक्सर बीमार रहा करती थी। बाबा, माँ को क्या हुआ है? माँ हमेशा लेटी क्यों रहती है? बेटा, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए माँ लेटी हुई है। मैं जल्दी से खूब सारे पैसे इकट्ठे करके तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, पापा ने कहा है वो बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके आपका इलाज करवाएंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ मेरी बच्ची। स्वरा बेटा, माँ को ज्यादा तंग नहीं करते, आओ खाना खाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन स्वरा के पिता राघव खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक जहरीले सांप ने आकर उन्हें काट लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। राघव के मर जाने के बाद घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं और इधर रागिनी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। ये सब देखकर स्वरा शहर जाकर नौकरी करने का ठान लेती है और वो नानी से शहर जाने का जिद करने लगती है। स्वरा मेरी फूल सी बच्ची, तू अकेले शहर में जाकर क्या करेगी? तो बहुत भोली है, तुझे तो कोई भी आसानी से ठग लेगा। नानी आप चिंता ना करें, माला बुआ भी तो वहीं रहती है, मैं उनके घर रुक जाऊंगी। आप बस अपना और माँ का ध्यान रखो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं शहर जाकर खूब तरक्की करूं और जब मैं शहर से लौटूं तो मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं उसे अपनी माँ के इलाज के साथ साथ इस घर को खुशियों से भर दूं। ऐसा ही हो मेरी बच्ची, हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा तू ही तो है, जा मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है नानी, मैं चलती हूँ, प्रणाम, माँ का ध्यान रखिएगा। नानी स्वरा को कुछ कपड़े की गठरी के साथ खाने का कुछ सामान बांध देती है। स्वरा गांव से चलते चलते शहर की तरफ जा रही होती है। काफी दूर निकल जाने के बाद स्वरा को भूख लगती है, तभी रास्ते में उसे कुआं दिखाई पड़ता है। वो शहर पहुंचने ही वाली थी। चलो इसी कुएं के पास बैठकर पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। स्वरा कुएं के चबूतरे पर बैठकर अपने खाने की पोटली खोलती है। उसकी पोटली में सिर्फ 3 रोटी ही बची होती है, जिसे देख स्वरा सोचती है, एक खाऊं या 2 खाऊं या 3ों खा जाऊं। उस कुएं में 3 परियां रहा करती थी। लगता है किसी को हमारा पता लग गया है और वो हमें खाने को सोच रही है। एक खाऊं, 2 खाऊं या 3ों को खा जाऊं, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी कुएं से 3ों परी निकलकर बाहर आती है। तुम कौन हो लड़की और हमें क्यों खाना चाहती हो? तुम्हें जो चाहिए तुम वो हमसे ले लो, पर हमें मत खाओ। नहीं नहीं, मैं आपके खाने की बात नहीं कर रही, मैं तो अपने खाने की बात कर रही हूँ। ये देखो मेरे पास 3 रोटियां है, उसी की बात कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगा? ये सुनकर सभी परियां भी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया था, वैसे तुम इस घने जंगल में यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? ये सुनकर स्वरा परी को अपनी सारी बातें बताती है। मैं तो यहाँ बस पैसे कमाने आई हूँ। स्वरा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर शहर में पैसे कमाना इतना आसान नहीं, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास हम परियों की तरह कोई जादुई शक्तियाँ है। मेरी बात मानो, तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने ही हैं। अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूँ तो फिर तो तुम अपने गांव लौट जाओगी ना? हाँ ठीक है, ये लो बक्सा। ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है, इससे तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। स्वरा वो बक्सा लेकर वहाँ से चल देती है। जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो क्यों ना एक बार बुआ से मिलती हुई चलूं। ये सोचकर स्वरा बुआ के घर चली जाती है। आओ स्वरा बेटा आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, हम सब ने अभी अभी खाना खाया है। कोई बात नहीं बुआ, मैं आप सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। इतना बोलकर स्वरा उस जादुई बक्से में से मिठाई निकालकर बुआ को देती है। बड़ा कमाल का बक्सा है, कितने में लिया था? लिया नहीं बुआ, ये तो मुझे परियों ने दिया है, और ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है। अरे तुझे किसी ने रास्ते में बेवकूफ बनाया होगा, ये शहर है, यहाँ कोई परियां नहीं होती। अच्छा तू थक गई होगी, आराम कर ले, बक्सा मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूँ। स्वरा बुआ को बक्सा देकर सो जाती है। तभी रात में बुआ बक्से से बोलती है, जादुई बक्सा मुझे बहुत सारा बालूशाही मिठाई दिला। बक्से में से बालूशाही मिठाई निकलने लगता है। बुआ ये देख बहुत खुश हो जाती है। वो रात में ही स्वरा के उस बक्से को चुरा लेती है और उसकी जगह दूसरा बक्सा रख देती है। सुबह होने पर, बुआ अब मैं चलती हूँ, मेरा बक्सा मुझे दे दो। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा अपने बक्से का जादू हमें भी तो दिखा। क्यों नहीं बुआ? स्वरा जैसे ही जादुई बक्से में से कुछ भी मांगती, बक्सा ज्यों का त्यों ही था, उसमें कोई जादू नहीं होता। मैंने तो कहा ही था कोई जादू नहीं होता, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया होगा। ये कैसे हो सकता है बुआ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर स्वरा उस कुएं की परियों के पास आती है। वाह परियों वाह, बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया आप लोगों ने मुझे। क्या हुआ स्वरा? फिर स्वरा परी को सारी बात बताती है। परी को माजरा कुछ कुछ समझ आ जाता है। इस बार परी स्वरा को दूसरा बक्सा देती है। स्वरा फिर से उस बक्से को लेकर बुआ के घर रात में रुकती है। उसकी बुआ दोबारा उस बक्से को चुराने की कोशिश करती है। तभी बक्से से एक रस्सी और डंडा निकलता है। रस्सी बुआ का हाथ बांध देती है और डंडा बुआ की खूब पिटाई लगाता है। अरे स्वरा मेरी बेटी, बचा ले मुझे, ये डंडा मुझे नहीं छोड़ेगा। पर बुआ ये आपको मार क्यों रहा है? अरे डंडा रुक जाओ, क्यों मार रहे हो मेरी बुआ को? जल्दी से सच बता दो, वरना मार मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। बताती हूँ स्वरा बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुम्हारा पहले वाला बक्सा बदल दिया था। बेटा मैं तुम्हारा बक्सा तुम्हें लौटा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर बुआ पुराने वाले बक्से को लेकर स्वरा को दे देती है। तभी वो डंडा अपने आप गायब हो जाता है। स्वरा उस बक्से को लेकर अपने गांव आ जाती है। गांव आकर वो उस जादुई बक्से के बारे में अपनी नानी को बताती है। ये सब सुनकर उसकी नानी बहुत खुश होती है। जादुई बक्से की मदद से स्वरा अपनी माँ का इलाज करवाकर अपने ही गांव में ही खुशी खुशी रहने लगती है।